किस समय की कि जिस वक्त उस पूर्णमल को फांसी का हुक्म दे दिया गया और उसने कहा गया कि भाई आखिरी समय है तेरी, आप ये बताइए आखिरी समय में क्या चाहते हो। जब पूर्णमल ने कहा कि पिताजी मैं आखिरी समय में जिसके कारण योद्धा न आया, मैं अपनी मौसी के दर्शन करना चाहता हूं। जब मौसी का नाम लिया तो रूपेशा कहने लगे रे दीवान, राजा सुलेमान कहने लगे रे रूपेशा दीवान, तू न्यू कहता रहे इसका कुछ भी खोट कोई ना, आज भी देख ले इसकी नीत आखिरी सर पर काल बोल रहा है, और इसकी नीत भी इसकी मौसी में पड़ी है। और एक बात के द्वारा राजा सुलेमान क्या कहने लगे, क्या बताया बता, बोला रे रूपेशा पूरण के मरण में अरे बाकी रे ढाई घड़ी सखी भाई जैसा कर में करा पूरण सारा जब मेरा ही मेरी मौसी ने कर दिया तो मैं खतावार हूं, और शहर के
जितने भी नर नारी इकट्ठे हुए वो लड़के पुणमल से बार बार यही सवाल करते रहे, भाई बात क्या है? नादान उम्र का था, क्या बताया? पूर्णमल बालक की ये नारी, पड़वा के सहवास।
सग खटकार जो सीधा रस्ता साफ बना रे पूरण मल राजी के बम में शीश पटका न दर्श कर मूरा देखे हंस बटकार
बदन बना गया बाजे भक्त बेचारे ने इस बीच में काल चलाया लक्ष्मी चन लक्कड़ आए ने मेरे तुझसे बहुत मार गेरे हो पाप दिगन से मेरे तुझसे बहुत मार के गेरे गया
फिर तो अकेला गोरखनाथ का चेला वो ममरी पड़ी तेरे बनी ओ तो दन मरी पड़ी मैं तेरे दन ओ चरण पीऊ पानी बैल कर सुंदर पर सुना मिठी पानी ओ कुछ खाया न खेला दुख जिंदी बरखा चेला हो मरी बड़ी देर
मारी
का बन जा पिया आजा खिला दे मेरा जिया ओ सुख का जो रेला कोई झूठ नहीं खेला हो मरी पड़ी तेरे जब से उस परदेसी की शक्ल देखी है न खाना अच्छा लगता न पीना अच्छा लगता सही पूछ जैसे तो सब पहले अपने भारत वर्ष में ज्यादातर हरियाणा में तीज त्योहार मनाने का बड़ा उत्सव होता था। पहले औरतें बहुत जेवर पहनती थी, घाघरा होया करता, बौन बौन किसका आदाली मैम साहब तो पुरा दे बंदा पिट गया। और इतनी तीन प्रतूम ठेकरी एटी से लेकर चोटी तक के हम तो उनके नाम भी नहीं गिना सकते
कोई बुजुर्ग होगा जो नाम जानता हो पूरी टुम्मा के। अरे भाई सीधे कोथड़ी, कई कई घोड़े टूट जाते नहीं है कि वो कोथड़ी ढोड़ दो। इतना हमने भी सोको रहा भाई बड़ा लिया टप दिन जाऊ तेरे अपन मोहरत लठा गया था सीधे कोथड़ी। वन कह लगी चल नहकमे ने जाती क्यों इसका नाग लड़े मेरे तन में कितलक रहा सदस्य के परसों की बेहोश पड़ी नहीं सारी काया चस के इसे मर्द का बैद मिले हाथ पकड़ लियो कश के कोई ना किसा में तब होया कर ए बुढ़ी ठेरी हो या बालक हो वह भी नहीं सोचा करक झूल पर बैठ के दो जो चेले और कान में बिगड़ा लो ए बे बीमारी तेरी तो उम्र से और तू घर आ पड़ी न को कर पार पड़ेगी कैसे महत्व समझा क्या बताया बल्ला सपने में वो परदेशी दिखा और के बुझ जाएगी बस
ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਮਾਣਸ ਨੂੰ ਮੋਤਾਈ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੂਝਣ ਲੱਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੀ ਡਰਕੇ ਸੋ ਸੋ ਬਾਤ ਕਰ ਜਾਤੀ ਸਿਨਕਾਨਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਤਮ ਜਾਣੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਰਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇ ਜਾਣੋ ਕਦ ਪਰਦੇਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੈਂ ਭਰਕੇ ਕਾਲ ਸੜੇ ਕੇ ਰੋਸ ਮੈਂ ਭਰਕੇ ਸਭ ਤਾਰ ਕਟੂ ਮੰਦਲੀ ਭਈਆ ਕੀ ਸੋ ਜੀ ਜਾਗੀ ਓ ਮਰਸਨ ਕਾ ਸਹੀ ਜੀ ਤੀਨ ਰੋਜ ਹੋਏ ਬੇਕੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ਬੇਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹਿਆ ਕਿਆ ਬਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਹਿਣ ਨੁਕਾ ਲੱਗੀ ਜਬ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰਤੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੂੰ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਐਸੀ ਖਟਕ ਲੱਗੀ ਜੇ ਪਾਛੇ ਤੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਕਾ ਇਹ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ ਜਬ ਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ ਜਾਣਗੀ ਵੇ ਮੁੰਦੀ ਪਰਤਣ ਕੋਈ ਆ ਖਲੀ ਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਖਾ ਮਰਦ ਨਲਾਨਾ ਕੋਈ ਆਧੀ ਰਾਤ ਕਲੰਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰ ਕਰੋਈ ਹਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਪੁੱਛ ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇ ਭਾਲੋ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਏ ਭੋਰਾ
पद्मावत, देखे बाप के घर पे बेटी का तराना ठीक नहीं होता, देखे ते पियर में चोरी जारी करेगी तेरे बापू का बट्टा लागे जागा, कल न्यू कहेंगे लोग बागड़ अगर पड़ोस के फलाने की छोरी फलाने के लिए बाजगी, हे बेबे ये बात अच्छी कोई ना पियर में, जब वो परदेसी तेरे नंगा में आ गया तो अपने बाबू ने कह कह उसके लिए गेड़े ले ले, यह बात अच्छी नहीं, क्या कहा कर मैं पैदल भी चलना वजे के रोज सवारी लंबा करे, ओड बड़े घर वासे में के लोक मायारी लंबा करे, डूब गई है पियर में के चोरी जहरी लंबा करे, तू बाप से कहते क्या करवा ले के ओड कवारी नंदा करे, लक्ष्मी चलका दास बने है, लक्ष्मी चलका दास बने सुल्तान जान ते प्यारा से, जिसकी मारी करे वटकी है जाल बाग में आया से, ये सुरली गाई नगी मने रोते तेरी रोड़ का आखिर में कहने लगी कि बहन सारी जो पूछ बूझ जली मेरी तुमने कि हाँ, तो एक बात सोच ले, जिस मानस ने सारे को नहीं समझा वो क्या खड़े हुए को जाने का, तो क्या बताया खरीदिए मैना कैसेट हरियाणवी संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाली एक ही कैसेट जिसका नाम है मैना। जब भी खरीदें अपने नजदीकी दुकानदार से मैना कैसेट ही खरीदें। मैना कैसेट
आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है। और हाँ, जब भी खरीदे मैना कैसेट खरीदते वक्त कैसेट पर मैना कंपनी का ट्रेडमार्क जरूर देख ले, क्योंकि घटिया और डुप्लीकेट कैसेट आपके टेप रिकॉर्डर को तो खराब करती है और आपके संगीत का मजा भी किरकिरा करती है। इसलिए दोस्तों बहन और भाइयों सावधान, नकली घटिया और डुप्लीकेट कैसेटों से सावधान, हमेशा मैना कंपनी की ओरिजिनल टेप कैसेट ही खरीदे जो आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है। डूब गई है पियर में के छोरी जहरी न म्यार करे, तू बाप से कहते क्या करवा दे के ओड कवारी न म्यार करे। लक्ष्मी चलका दास्तन है, लक्ष्मी चलका दास्तन सुल्तान जानते प्यारा से बड़े में कई कई बार